तो दोस्तों मेरे पास काफ़ी कमेंट आ रहे थे रेडमी 4A से रिलेटेड और रेडमी 5A से रिलेटेड और रेडमी 4 से रिलेटेड। तो आज मैं तीनों फ़ोन्स के बारे में आपको सारी डिटेल्स देने वाला हूँ कि इसके अंदर एंड्रॉयड जो है 9 का अपडेट, एंड्रॉयड 10 का अपडेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, MIUI 12 का अपडेट मिलेगा या नहीं मिलेगा रेडमी 4A के अंदर, रेडमी 5A के अंदर, रेडमी 4 के अंदर। ठीक है, आज हम रेडमी सीरीज़ की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले रेडमी 4A के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर Redmi 4A के अंदर यहाँ पर जो है आप पूछ रहे थे कि हमें MIUI 12 का अपडेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, MIUI 11 का भी अभी तो आपको पता ही है कि नहीं मिला है। तो दोस्तों मैं आपको जो है साफ साफ बता देता हूँ कि आपका Redmi 4A जो है, अगर आप Redmi 4A के यूज़र्स हैं तो मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ कि आपको अब Redmi 4A के अंदर कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिलेगा। आपको पता ही है कि MIUI जो है 10 पर ये स्मार्टफोन चल रहा है और MIUI 11 भी नहीं मिला है। ठीक है, तो आपको कोई भी Redmi 4A के अंदर अपडेट देखने को नहीं मिलेगा, ना ही आपको कोई फ्यूचर में अपडेट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि काफ़ी डिवाइस पुराना हो चुका है। 2016 में ये डिवाइस लॉन्च हुआ था, तो इसकी डेवलपमेंट इसकी काफ़ी पहले ही स्टार्ट जो है स्टॉप कर दी गई है। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं रेडमी 4 के बारे में। तो रेडमी 4 के यूज़र्स काफ़ी बहुत ज़्यादा ही हैं। तो रेडमी 4 के अगर आप यूज़र्स हैं तो रेडमी 4 के अंदर आपको पता ही है कि एंड्रॉयड जो है 7.1 चल रहा है। दोस्तों इसके अंदर जो MIUI 11 चल रहा है, जिसका वर्जन MIUI 11.0.2.0। तो यहाँ पर Redmi 4 के अंदर MIUI 11 का अपडेट तो फाइनली मिल चुका था और ये स्मार्टफोन MIUI 8 पर ये लॉन्च हुआ था, MIUI 8.2 पर लॉन्च हुआ था, फिर आपको MIUI 8.5 भी इसके अंदर देखने को मिला था। तो इसके अंदर दोस्तों MIUI के काफ़ी अच्छे अपडेट दिए गए हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसके अंदर भी आपको कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये स्मार्टफोन भी काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका है। 2017 में ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था। ठीक है, अगर आप जो है काफ़ी सारे डाउट्स थे आपके Redmi 4 और Redmi 4A से रिलेटेड, तो दोनों फ़ोन्स के अंदर आपको कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिलेगा, ना ही आपको कोई MIUI 12 का अपडेट देखने को मिलेगा। आप कस्टम रोम वगैरह यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों बारी आती है Redmi 5A के बारे में। तो Redmi 5A के दोस्तों काफ़ी बहुत सारे यूज़र्स हैं और ये स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा सुपर हिट रहा है 5000 रुपये की रेंज में। तो इस स्मार्टफोन के बारे में हम बात करने वाले हैं, Redmi 5A के अंदर आपको कोई फ्यूचर में अपडेट देखने को मिलेगा या नहीं। तो दोस्तों इसके अंदर आपको पता ही है कि एंड्रॉयड 8A जो है चल रहा है और काफ़ी सारे बग हैं इस स्मार्टफोन के अंदर, Redmi 5A के अंदर अभी भी बहुत सारे बग हैं Redmi 5A के अंदर। ठीक है, और इसके ऊपर मैं एक ज़रूर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि Redmi 5A के अंदर आपको कौन कौन से बग्स देखने को मिलते हैं और अभी तक ये फिक्स किए नहीं गए हैं। तो दोस्तों Redmi 5A के अंदर एंड्रॉयड जो 8 जो है चल रहा है और साथ ही साथ इसके अंदर MIUI 11 चल रहा है। तो इसके अंदर दोस्तों MIUI 12 का अपडेट तो देना चाहिए था, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर जो है 3 MIUI के अपडेट भी नहीं दिए गए हैं। 9 MIUI स्मार्टफोन लॉन्च हुए थे, MIUI 10 मिल चुका था, MIUI 11 पे अभी ये चल रहा है। पर दोस्तों MIUI 12 तो मिलना चाहिए था, पर दोस्तों इसके अंदर MIUI 12 भी देखने को नहीं मिला है Redmi 5A के अंदर। तो दोस्तों इन तीनों डिवाइस के अंदर कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी आपको अदर अपडेट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आप Redmi 4A के यूज़र्स थे, Redmi 5A के यूज़र्स थे या Redmi के 4 के यूज़र्स थे, तो इसके अंदर कोई भी आपको फ्यूचर में अपडेट देखने को नहीं मिलेगा। जैसा फ़ोन चल रहा है वैसे ही फ़ोन रहेगा, पर Redmi 5A की हालत बहुत ज़्यादा बेकार है। Redmi 5A के अंदर अभी तक बहुत सारे बग्स हैं, तो उसे भी यहाँ पर फिक्स नहीं किया। छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए।